Self-organizing map 2, the second module of self-organizing map. In this algorithm, we will discuss some more details about self-organizing map algorithms. The main goal of a self-organizing map is to transform the incoming arbitrary dimensions of the data into a limited dimensions, or we can say that it is basically transforming that arbitrary dimensions into 1 or 2D two dimensions discrete map. So humne pehle bhi ye zikr kiya tha ki ye dimension reductions pe kaam karta hai. Jo multi dimensional data aata hai, jo arbitrary patterns of dimensions aate hai, unko reduce karke 1 dimension mein ya 2 dimension mein plane ke upar inko represent karne ki koshish karta hai, and then solve the problem or trying to find the best solution for that specific problem. So that's why the main goal is to transform the incoming pattern of arbitrary dimensions into 1 single dimensional or 2 dimensional discrete maps. And this transformation is being performed by the self-organizing maps. Self-organizing maps, your transformation, jab perform karte hai, to kaise karte hai? This transformation is being performed adaptively in a topologically ordered fashion. Ordered fashion se matlab ye hai ke jab ye transformation karta hai to lattice mein ya plane mein ya 2D grid mein ya plane mein nodes ki neurons ki arrangement karta hai, map banata hai, aur wo jo map hai usme ek specific order hota hai. That's why hum ye kehte hai ke the transformation of that that data transformation being made in an adaptively ordered fashion. Each output neuron is fully connected to to all the source nodes in the input data. Means ke jo bhi output neuron hai, that neuron will be fully connected to all the source neurons in that grid, in that lattice. ये सिर्फ अपने आप के साथ उसकी कनेक्शन नहीं होगी, बाकी इन सारों के साथ इसकी कनेक्शन जो होगी वो मेंटेन होगी, जो भी उसके सोर्स नोड्स हैं. दिस द सॉम नेटवर्क्स बेसिकली दे इट रिप्रेजेंट्स अ फीड फॉरवर्ड स्ट्रक्चर विद अ सिंगल कंप्यूटेशनल लेयर. सॉम्स जो है, ये जो भी नेटवर्क बनाते हैं वो उस नेटवर्क में आमतौर पर एक सिंगल कंप्यूटेशनल लेयर होता है, जो वो चाहे वो ग्रिड बनाएगा या वो प्लेन बनाएगा, 2D में बनाएगा या 1D में बनाएगा, उसमें कंप्यूटेशनल लेयर एक ही होता है. इसके मुकाबले में हमने जो प्रीवियस कुछ एल्गोरिदम्स हमने स्टडी किए थे, जिस तरह हमने एक जनरलाइज न्यूरल नेटवर्क स्टडी किया था, उसमें जनरलाइज में तकरीबन कम अज़ कम 3 लेयर्स थे. एक इनपुट लेयर था, एक हिडन लेयर था, एक आउटपुट लेयर था. बाकी भी जो एल्गोरिदम्स हमने देखे उसमें आमतौर पर मल्टीपल कंप्यूटेशनल लेयर्स होते हैं, जबकि सॉम्स की ब्यूटी ये है कि इसमें सिंगल कंप्यूटेशनल लेयर होता है, और दैट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूरॉन्स अरेंज्ड इन 2D और 1D ग्रिड. वो जो ग्रिड के ऊपर उसकी अरेंजमेंट होती है, जो मैप के ऊपर उसकी अरेंजमेंट करता है, तो सारे एक ही ग्रिड के ऊपर, सारे न्यूरॉन्स, सारे नोड्स एक ही ग्रिड के ऊपर अरेंज होते हैं, एंड दैट्स वाई देर इज़ ओनली अ सिंगल कंप्यूटेशनल लेयर इन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स. हाँ, ये बात ज़रूर है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स जो है वो चूँकि सारे न्यूरॉन्स के साथ कंप्यूटेशंस परफॉर्म करता है, तो दे आर समटाइम्स रिगार्डेड एज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एल्गोरिदम्स, बट दे आर वेरी दो दे आर कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, बट जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है. सो दैट्स वाई दे आर द चॉइस, द फर्स्ट चॉइस एल्गोरिदम्स टू सॉल्व और टू बी अप्लाइड बाय ऑन मल्टी डायमेंशनल डेटा. 2D ग्रिड या 1D ग्रिड या प्लान के ऊपर ये नोड्स की अरेंजमेंट आमतौर पे करता है, लेकिन इसके हायर डायमेंशन अरेंजमेंट्स भी पॉसिबल है, लेकिन वो जो 2D से ज़्यादा डायमेंशंस की अरेंजमेंट है डेटा की वो पॉसिबल है, बट आमतौर पे हाई डायमेंशंस को आमतौर पे पसंद नहीं किया जाता, और रिसर्चर जो है वो हाई डायमेंशंस पे जो इसकी अरेंजमेंट है उसको नहीं करते, और इसको आमतौर पर 2D में या 1D में ही इसकी जो अरेंजमेंट है वो उसको रखते हैं. ग्रिड टॉपोलॉजी मुख्तलिफ हो सकती है, जो भी ग्रिड ये मैप में बनाता है उस मैप की जो ग्रिड टॉपोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल,
ग्रिड टॉपोलॉजी में भी स्क्वायर, में भी हेक्सागोनल, और दे में भी ऑफ सम अदर शेप, बट ऑर्डर्ड फैशन उसमें बरकरार रहेगा, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड वो रहेगा, लेकिन उसकी जो टॉपोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है। द सम एल्गोरिदम्स के अंदर जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेटवर्क इज़ बेस्ड अपॉन द थ्री बेसिक स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिदम, एंड दीज थ्री स्टेप्स आर नंबर वन कंपटीशन, नंबर टू कोऑपरेशन प्रोसेस, एंड नंबर थ्री द सिनैप्टिक अडॉप्टेशन। कंपटीशन प्रोसेस में क्या होता है कि कंपटीशन का जो प्रोसेस है, इस पहले स्टेप में देर इज़ अ कंपटीशन अमंग द इनपुट न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स सिस्टम के अंदर आ जाते हैं उनके अंदर एक कंपटीशन होता है। और आमतौर पे हमने पहले भी देखा था कि कंपटीशन के डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती है, लेकिन जब भी कंपटीशन होगा तो फिर जाहिर बात है उस कंपटीशन में कोई विनर होगा, कोई लूज़र होगा। तो जब न्यूरॉन्स के बीच में कंपटीशन परफॉर्म किया जाएगा तो उस कंपटीशन में क्या किया जाएगा कि उसका कोई विनर होगा, एंड दैट विनर इज़ बेसिकली द बेस्ट मैच ऑफ द इनपुट न्यूरॉन। उस इनपुट जो एक्स वेटेड न्यूरॉन्स है, उस वेटेड न्यूरॉन्स के साथ जिसका भी डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, दैट विल बी द विनर ऑफ दैट कंपटीशन बेसिकली, एंड दैट विल बी सिलेक्टेड। अब वो जो सिलेक्टेड न्यूरॉन होगा, वो जो विनर न्यूरॉन होगा, वो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएगा और कोऑपरेटिव प्रोसेस से गुजरेगा। कोऑपरेटिव प्रोसेस में क्या होगा कि अब जो विनर न्यूरॉन है वो उसको जो भी ग्रिड है या नेटवर्क है, उस नेटवर्क के सेंटर में रखा जाएगा, और उस सेंटर के उस नेटवर्क के साथ जो कनेक्टेड न्यूरॉन्स होंगे या जिनके नेबरहुड में जो न्यूरॉन्स होंगे, जिनका उनके साथ कोई कम्युनिकेशन होगी, वो उसका नेबरहुड न्यूरॉन्स कहलाएंगे, और उस नेबरहुड न्यूरॉन के साथ उसकी उनके आपस में कोऑपरेशन होगी, और वो कहलाएंगे कोऑपरेटिव न्यूरॉन्स। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस में वो जो जो विनर न्यूरॉन है उस न्यूरॉन की नेबरहुड मेंटेन की जाएगी, और कोऑपरेटिव प्रोसेस में ये नेबरहुड मेंटेन करके उसकी कम्युनिकेशन जो होगी वो इस्टेब्लिश की जाएगी। सो द कोऑपरेटिव प्रोसेस में क्या होगा कि द विनर न्यूरॉन लोकेट्स द सेंटर ऑफ द टोपोलॉजिकल नेबरहुड ऑफ द कोऑपरेटिव न्यूरॉन्स। द टोपोलॉजिकल नेबरहुड डिपेंड्स ऑन द लेटरल डिस्टेंस डी आई जे बिटवीन द विनर न्यूरॉन आई एंड अदर न्यूरॉन जे। सो कोऑपरेटिव प्रोसेस में यही प्रोसेस इस्टेब्लिश किया जाएगा कि जो भी विनर होगा उसको ग्रिड टोपोलॉजी के सेंटर में लोकेट करके कोऑपरेटिव न्यूरॉन्स के साथ उसकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की जाएगी, और दैट विल बी बेस्ड अपॉन द लेटरल डिस्टेंस डी आई जे, बिकॉज दिस इज अ 2D ग्रिड, दैट्स वाई वी कैन इस्टेब्लिश आई एंड जे डायमेंशन फॉर दैट। द न्यूरॉन पोजिशंस, थर्ड जो स्टेप है जिसमें साइनाप्टिक एडजस्टमेंट होगी या न्यूरॉन एडजस्टमेंट होगी या कम्युनिकेशन एडजस्टमेंट होगी, उस फेज में क्या किया जाएगा कि द न्यूरॉन पोजिशंस कैन बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। अब जो भी विनर होगा उसी के रेफरेंस से उसका कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंदर उसका नेबरहुड जो होगा वो एडजस्ट किया जाएगा, वेट एडजस्ट होंगे, एंड द न्यूरॉन पोजिशंस कैन बी एडजस्टेड इंक्रीमेंटली और इन द बैच प्रोसेस। दोनों तरह से हो सकता है कि वन बाय वन एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ इंक्रीमेंटली किया जाए, या सारों का जो है वो वेट जो है वो बैच में एडजस्ट किया जाए। देयर आर बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर, इसमें से कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई की जाएगी उससे ऊपर आउट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बोथ द प्रॉप द स्ट्रेटजीज कैन बी अप्लाइड, इंक्रीमेंटल और द बैच स्ट्रेटजी।